बेटा लास्ट टाइम हमने खत्म किया था आपका जो ये है सेक्शन आपका 141, ठीक है बेटा? अगर आपको याद हो जो कल वाला लेक्चर था, ठीक है, आज हमने शुरू करना है सेक्शन 142, डिस्पोजल ऑफ द अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग पार्टीशन, ठीक है बेटा? अब किसने कहा कि व्हेन एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग द पार्टीशन और मोड ऑफ मेकिंग पार्टीशन और मोड ऑफ डिटरमिन, अगर आप डिटरमिन कर रहे हो तो किसका कितना शेयर है, कौन मालिक है या नहीं है, कोई भी क्वेश्चन अगर पार्टीशन तकसीम के मुतालिक या मोड ऑफ मेकिंग पार्टीशन के मुतालिक आ जाते हैं, ठीक है, तो रेवेन्यू ऑफिसर फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल कंडक्ट द इंक्वायरी एंड विल फर्निश द रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ हिज रीजनिंग, ठीक है? यानी कि अगर आपका दौरान तकसीम दौरान पार्टीशन क्या हो जाता है बेटा, कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाता है सामने, कोई भी क्वेश्चन सामने आ जाता है, ठीक है बेटा? रिगार्डिंग द पार्टीशन एंड रिगार्डिंग द मोड्स ऑफ पार्टीशन, दो बातें हैं 42 में, ठीक है? 142 में दो ग्राउंड हैं कि अगर आपका क्या आ जाता है बेटा पार्टीशन के मुतालिक या आपका मोड्स ऑफ मेकिंग पार्टीशन के मुतालिक कोई सवाल आ जाता है, ठीक है बेटा, तो रेवेन्यू ऑफिसर विल कंडक्ट एन इंक्वायरी, ठीक है? रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, उसकी इंक्वायरी कनेक्ट करेगा और उसका एक रिपोर्ट फर्निश करेगा और जो प्रोसीडिंग उसने की होंगी जिस पे वो रिलाई कर रहा होगा, जो वो फैसला कर रहा होगा, तो बताता है ही इज बाउंड टू राइट डाउन द रीजंस ऑफ सच डिसीजन और हिज ऑर्डर। जब वो फैसला लिखेगा ना, तो फैसला लिखने से पहले ये याद रखिएगा उसने इन तमाम मामला को बाई द वे ऑफ इंक्वायरी हैंडल करना है, ठीक है? अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है किसके रिगार्डिंग बेटा, आपका क्वेश्चन आता है किस चीज के रिगार्डिंग, आपका सवाल आता है इसके मुतालिक पार्टीशन के मुतालिक या मोड ऑफ पार्टीशन के मुतालिक, ठीक है बेटा? ये मोड ऑफ पार्टीशन के मुतालिक तो याद रखिएगा बेटा, तो उस टाइम बेटा ये क्या करेगा, बकायदा इंक्वायरी करके फिर फैसला करेगा, और जो फैसला करेगा उसमें बकायदा वो अपनी दलायल देगा कि मैंने इस बुनियाद पर ये फैसला किया है, ये इंक्वायरी की है और मैंने लोगों को सुना है कौन झूठा और कौन सच्चा है, कहता है उसने अपने आर्गुमेंट्स देने, ठीक है बेटा, रीजंस रीजंस बतानी है। उसके बाद व्हेन एनी अपील हैज बीन मेड हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर ड्यूरिंग द इंक्वायरी, अब उसने इंक्वायरी की, कोई उसने फैसला कर दिया और फैसले के खिलाफ क्या हो गया, इनको अपील फाइल कर दी किसी एग्रीव पर्सन ने, तो जो उसने इंक्वायरी में फैसला किया था ना बेटा, अब उसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता जब तक उस अपील का फैसला नहीं आ जाए। ये है सबसेक्शन 2 आपके सेक्शन 142 का, जो सब सेक्शन 2 है ना बेटा, उसमें वाजह तौर पर उसने लिख लिया कि व्हेन एनी अपील हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर आफ्टर द इंक्वायरी अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 में उसने कोई इंक्वायरी की, उसने किसी को डिक्लेयर किया, उसने अपना फैसला किया, उस फैसले के खिलाफ अगर कोई शख्स जाके सब सेक्शन 2 में अपील फाइल कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, अपील फाइल कर देता है, तो याद रखिएगा बेटा उसके खिलाफ अपील फाइल जब करेगा तो जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता तो उस इंक्वायरी वाले फैसले को फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता, यानी कि उसका जो है फर्दर उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, ये बात याद रखिएगा। इसमें बेटा सब सेक्शन 3 है, ठीक है, कि व्हेन ए पर्सन इज जो है वो डिससेटिस्फाइड, यानी कि वो पार्टीशन जो हो रही है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं इस चीज़ का हिस्सा ना बनूँ, ठीक है, मैं इस चीज़ का हिस्सा ना बनूँ, तो वो बाई द वे ऑफ एप्लीकेशन अपनी हद तक, यानी कि वो अपनी अगर जायदाद तकसीम नहीं करवाना चाहता तो वो एप्लीकेशन दे सकता है किस चीज़ की, विड्रॉल की, कि मेरा जो है मैं इस चीज़ का राजी हूँ, जो पहली प्रॉपर्टी में लैंड मेरे पास है वो मेरा इतना शेयर बनता है और मैं राजी हूँ, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, तकसीम से जा सकता है, ठीक है बेटा, तकसीम से जा सकता है, और याद रखिएगा वो अपना राइट जो है अगर क्लेम करना चाहता है तो उस टाइम कर सकता है, अगर नहीं वो चाहता है कि मेरे जो राइट मेरे पास जो पहले मेरी प्रॉपर्टी है मेरी लैंड है मैं है ही थी और मैं मुझे कोई नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, समझ आ गई बात। अब बात ये थी बेटा कि दो या तीन लोग थे, उनमें से एक ने क्या की, अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, लेकिन बाकी जो है वो कहते हैं नहीं हमारी पार्टीशन मुकम्मल होनी चाहिए, हमारी पार्टीशन मुकम्मल होनी चाहिए, तो सब सेक्शन 4 में सच रेवेन्यू ऑफिसर इज बाउंड टू मेक
यू हैव टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ पार्टीशन एक्सटेंड टू सच पर्सन, यानी कि जो शख्स अपनी पार्टीशन करवाना चाहते हैं ना, ठीक है, जिन्होंने विड्रॉ कर ली तो वो विड्रॉ कर ली, पर जिन्होंने विड्रॉ नहीं की बेटा, जिन्होंने विड्रॉ नहीं की उसकी हद तक रेवेन्यू ऑफिसर पाबंद है कि उसने क्या करना है, एग्जीक्यूट उसकी पार्टीशन करनी है बेटा, ठीक है। तो ये है बेटा आपका सेक्शन 142। और इसमें मेन बात जो मैं आपको बताता चलूं जो है, तो पार्टीशन जब भी होगी ना, पार्टीशन जब भी होगी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लैंड होगी, ठीक है। अब नेचर ऑफ लैंड से क्या मुराद है बेटा, जिसकी अगर नहरी जमीन है, इरीगेटेड लैंड है, इरीगेटेड के मुताबिक उसको डिवाइड किया जाएगा। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी आपकी अनइरीगेटेड है तो अनइरीगेटेड के हिसाब से किया जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल है, अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई कमर्शियल है, ठीक है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो उसके कमर्शियल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लैंड। अब ये ना हो कि कोई अपना शेयर जो है वो इरीगेटेड से ले लेता है, ठीक है, इरीगेटेड से लेकर और बाकी कहता है इसको अनइरीगेटेड प्रॉपर्टी दी जाए, बेटा ये नहीं होना, ये नहीं होना, ठीक है। ऑलवेज इट इज से कहते हैं ना द सेटल प्रिंसिपल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द लैंड रेवेन्यू रिगार्डिंग द रेवेन्यू मैटर। जब भी पार्टीशन का सवाल आता होता है ना कोर्ट के पास, कोर्ट हमेशा क्या करती है उसको उसके मुताबिक हल करती है, किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द लैंड। समझ आ गई बेटा बात, क्योंकि इस पे नंबर ऑफ द जजमेंट्स आर हैंडेड डाउन बाय द एपिक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री दैट द लैंड और प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अब ये ना कि किसी को आप अच्छा दे दो, किसी को आप बुरा दे दो, ठीक है, किसी को कल्टिवेशन हो, किसी को कल्टिवेशन ना हो। इन तमाम हालात वाकयात में कोर्ट ने क्या करना है, आपके रेवेन्यू ऑफिसर ने जब भी पार्टीशन करनी है तमाम सवालों को मद्देनजर रखते हुए उसने क्या करना है, इसको डिवाइड करना, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट बेटा सेक्शन 143 है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पार्टीशन। आपको वो प्रॉपर्टी जो आपकी क्या हुई एग्जेम्प्ट कर दी गई, एक्सक्लूड हो गई, ठीक है, जो कि बिशक 142 में वो शख्स जिसने अपनी जो ड्रग थी वो, ठीक है, या जिसको 136 सबसेक्शन 36 सबसेक्शन 1 में यानी कि जो हमने एक्सक्लूड की थी बेटा, इसको हमने किसके, तो आपकी प्रॉपर्टी जिसको अंडर सेक्शन 136 सबसेक्शन 1 में जो है वो क्या कर दिया गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था, ठीक है बेटा। तो उसमें जो वो प्रॉपर्टीज होगी अब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, ठीक है, अच्छा। अब वाजह तौर पर इसमें ये व्हेन द लैंड हैज बीन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 136 सबसेक्शन 1 उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, समझ आ गई बात की, ठीक है। इसके बाद इन जितने इस प्रॉपर्टी के शेयर होल्डर होंगे ना, ठीक है, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो 136 एक्सक्लूड की गई थी, ठीक है, अब जितने भी उसके को शेयर होल्डर होंगे, ठीक है, जिनका जितना भी इंटरेस्ट होगा ना उनको डिटरमिन करके, ठीक है, किसका कितना है, किसका कितना है, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसका जितना भी शेयर बनता था, मेरा तो 10 मरले है, मेरा 10 एकड़ है, ठीक है, मुझे उस मेरे जो रिकॉर्ड मिलेगा, जो मेरा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बताएगा, जितना मेरा शेयर होगा, जितना मैं मालिक होगा, तो फिर जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी उसको उसका भी डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इसमें जो है आपका 144 है कि जब आपकी जो है प्रॉपर्टी विच हैज बीन डिवाइडेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर अमंग द शेयर होल्डर्स अमंग द आपके को ओनर्स या को जितनी भी जिसकी प्रॉपर्टी थी जब उनको दे दी गई होगी, तकसीम कर दी गई होगी, तो याद रखिएगा जिसकी जितनी होल्डिंग होगी ना, जिसकी मलकियत होगी, अब सामने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में आ जाता है, ठीक है, कि आपका जो ये हमारे शेख बलो साहब हैं इनकी प्रॉपर्टी जो है वो पहले तकसीम से पहले 2 एकड़ थी, आपकी तकसीम के बाद 3 एकड़ हो जाती है या 4 एकड़ हो जाती है, तो याद रखिएगा लैंड रेवेन्यू अब तकसीम के बाद जितना भी इनका शेयर इंक्रीज हुआ है ना, इनका शेयर जितना भी इंक्रीज हुआ है, अगर कम हुआ है तब भी, अगर ज्यादा हुआ तब भी, बेटा याद रखिएगा इसको आप उसके मुताबिक ही इम्पोज करेंगे, यानी कि पहली ड्यूटी जब पार्टीशन के बाद आप मालिक बन जाओगे या प्रॉपर्टी आपसे ले ली जाती है, सबसे पहले काम क्या होगा, इसकी जितनी होल्डिंग होगी ना बेटा उसको उसके मुताबिक ही क्या क्या कर दिया जाएगा, उस पर जो है आपकी जो तकसीम है, ठीक है बेटा, जो आपकी
तकसीम हुई थी, पार्टीशन हुई थी, उस पार्टीशन के मुताबिक आपके लैंड रेवेन्यू ग्रोथ कर दिया जाएगा, याद ठीक है या नहीं। इसके बाद बेटा अब जब इस पे लैंड रेवेन्यू इंट्रोज होना है वो कैसे होना है, हम पहले ये पढ़ चुके हैं असेसमेंट, यानी कि इसमें जो यानी कि द प्रॉपर्टी व्हिच हैज बीन इंपोज्ड टू द लैंड रेवेन्यू अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 144 144 सबसेक्शन 1 में जिस पे लैंड रेवेन्यू अब इंपोज होना है ना वो होगा कैसे, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 में इसका जवाब इसने लिखा है कि जो उस स्टेट की जो असेसमेंट जो फार्मूला जो रेट चल रहा होगा ना उस रेट का उस फार्मूले का जितना रेट चल रहा होगा बेटा जो उस आपके अल्लाह भला करे बेटा इसका लैंड का जो चल रहा है यानी कि आप मेरी सपोज चांद में जिस एरिया में बैठो मेरी जो तकसीम है तकसीम होती है मेरी प्रॉपर्टी ये कम हो जाती है बढ़ जाती है तो जो मेरे ग्रुप का जो मेरी गाँव का मेरे विलेज में जो असेसमेंट रेट चल रहा होगा मुझ पर लैंड रेवेन्यू उसके मुताबिक ही इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर जहाँ पे यानी कि अगर आप समझते हैं कि एक ऐसी जो है स्टेट या आपकी कोई भी पार्टीशन है उस पर कोई गलत या कोई फ्रॉड करके उसको सेस करवाता है, ठीक है, यानी कि जो सबसेक्शन 3 में वो कहता है कि कोई भी आपका जो है असेसमेंट, ठीक है, यानी कि मेरी ये पार्टीशन थी मेरे पे रेट वो इम्पोज किया जाता है मेरे पे वो रेट इम्पोज किया जाता है जो कि होना नहीं चाहिए था, गलत लगाया जाता है या मुझे फ्रॉड जो है किया जाता है मेरे साथ या जो मेरी असेसमेंट करते हैं वो गलत करते हैं, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो इसमें हमने अगर टेन्योर पढ़ा था 12 ईयर, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 12 साल बाद, ठीक है, अगर बेशक 12 साल बाद जो बता रहा है कि अगर फ्रॉड हुआ है तो 12 साल बाद भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या कर सकता है उसकी असेसमेंट कर सकता है और उसको दोबारा उसको इशू करेगा, समझ आ गई बात की, उसको दोबारा क्या करेगा उस असेसमेंट को इशू करेगा, ठीक है, और इसके बाद जो कुछ होगा, ठीक है, जो 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 कुछ भी असेसमेंट करेगा वो एक स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यानी कि उसको असेस करके पूरा करेगा लैंड रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यानी कि आपकी प्रॉपर्टी तकसीम हो गई, लैंड आपकी तकसीम हो गई, आप मालिक बन गए, आपके जो है इस अंदाज में आपको टैक्स भी लग गया लैंड रेवेन्यू भी लग गया, ठीक है। अब अगली बात क्या, इसके बाद ये सेक्शन आप बड़ा जिसे कहते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट आपने वर्ड इस्तेमाल हुआ तकसीम सनत तकसीम, ये बुजुर्ग लॉयर भी बोलते हैं हमारे घरों में बोला जाता है, ठीक है, सेक्शन 145 ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, कि जब तकसीम व्हेन द पार्टीशन हैज बीन कंप्लीटेड द प्रोसीजर द प्रोसेस ऑफ द पार्टीशन हैज बीन कंप्लीटेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, आप जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर है ना विल मेक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सच पार्टीशन हु हैज कंडक्टेड बाय सच ऑफिसर, ठीक है, कि जो ऑफिसर ने वो पार्टीशन क्या की होगी कंप्लीट की होगी कंडक्ट की होगी वो बकायदा क्या करेगा उस पार्टीशन का एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा जिसे हम कहते हैं सनद तकसीम, यानी कि जो आप पे आपका एक प्रूफ होगा, समझ आ गई बात की, और उस पर एक स्टैंप लगाएगा जिसे हम कहते हैं नॉन जुडिशियल स्टैंप, हम क्या कहते हैं नॉन जुडिशियल स्टैंप, उस पे किस पे भला उस इंस्ट्रूमेंट पे जो आपकी पार्टीशन के लिए वो तैयार करेगा, कोई मसावी तैयार करेगा, कोई रिकॉर्ड ऑफ कोर्स चेंज तो होना है आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पीरियडिकल रिकॉर्ड भी चेंज होने होने, अगर पार्टीशन में रकबा एक से दूसरी जगह जाता है तो ऑफ कोर्स एक मल्कियत से दूसरी मल्कियत चेंज होती है, तो बेटा ये बातें याद रखिएगा ये आप तब्दीली तो होनी होनी, ठीक है। अच्छा इसके मुताबिक क्या करेगा वो बेटा इंस्ट्रूमेंट तैयार करेगा, ठीक है, उसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा उसके बाद अगला काम होता है पोजेशन कब्जा, ठीक है, आप सपोज मैं कब्जा नहीं छोड़ रहा था या जो मेरा जो भी मामला थे आप हो गए फाइनल हाथी, उसके बाद डिलीवरी ऑफ द पोजेशन, ठीक है, टू होम द प्रॉपर्टी अलॉटेड, ठीक है, अंडर सेक्शन 146 अंडर सेक्शन 146 व्हेन द प्रोसीजर ऑफ द पार्टीशन हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है, तो जो हकदार होगा जिसके हक में पार्टीशन बनी होगी जिसको वो तकसीम दिया करके दिया गया होगा जिसको तकसीम करके दिया गया होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, तो उसको उसके मुताबिक जो है वो कब्जे का हकदार होगा, ठीक है, यानी कि जिसने जिसके हक में पार्टीशन हुई है जिसको
अल्लाह आपका भला करे बेटा, तकसीम होने के बाद वो हिस्सा दिया गया, प्रॉपर्टी मिली है, तो वो सही बंदा क्या होगा, हकदार होगा, समझ आ गई बात। अगर वो नहीं है तो उसके जो वारसान है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, जो उनके वारसान हैं, ठीक है, अगर यानी कि पार्टीशन होनी थी, एक ही वो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी पार्टीशन होने की डेथ होने के बाद अब उसके जो लीगल वारसान है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, वो दे हैव राइट टू क्लेम आफ्टर द डेथ विद इन 3 ईयर, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो फिर जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया होगा, जो उसने रेवेन्यू से बनाया होगा, ठीक है, उसके मुताबिक या कोई डिस्प्यूट था तो उस प्रॉपर्टी पे जो कोर्ट ने फैसला किया होगा उसके मुताबिक वो क्या कर देगा, उसको कब्जा उनको दे देगा, समझ आ गई बेटा बात। अब इसके बाद मेन अगली बात, ये सारी बातें प्रोसीजर है पार्टीशन का, अगर आपके पास है बेटा, ठीक है, पार्टीशन। अब इन सारी बातों से हट के बेटा, आपको पहले बजाय इसके कि आप एप्लीकेशन दें, आप प्रोक्लेमेशन करवाएं, आप नोटिस दिलवाएं, नोटिस के बाद आपकी इंक्वायरी हो, आपको तो पार्टीशन हो, पार्टीशन के बाद आपके लैंड रेवेन्यू लगे, लैंड रेवेन्यू के बाद आपके असेसमेंट हो, असेसमेंट के बाद आप डिलीवरी, आपका पोजेशन हो, पोजेशन, ये सारी बातें, ये तो प्रोसीजर है ना पार्टीशन का, समझ आ गई बेटा बात। अगर आपकी एमिकेबली अमंग द पार्टी, जहाँ पे हम कहते हैं लड़का और लड़की राशि, वहाँ पे क्या करेगा काजी, ठीक है बेटा। अब ये बात आ गई यहाँ पे वाजे तौर पर सेक्शन 147 में, अगर आपकी पार्टीशन विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टी हैज बीन सेटल्ड, आपकी अगर पार्टीशन जो है आपको रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ी, आपने इसको एमिकेबली, ठीक है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर, तो आपकी वो क्या हो जाती है, सेटलमेंट हो जाती है, आपकी वो क्या हो जाती है, सेटलमेंट हो जाती है। तो जैसे आप अपना लेके जाओगे ना, जैसे आप अपनी पार्टीशन तकसीम करके जाओगे, रेवेन्यू ऑफिसर इज बाउंड, वो उसके मुताबिक इसको क्या कर देगा, फैसला कर देगा, समझ आ गई बात। अच्छा, अब इसके बाद सपोज अब इसमें ज्यादा ज्वाइंट शेयर होल्डर है, यानी कि अगर आपका तो खाता है तो आपके यहाँ तक वो कर देगा। अब अगर इसको ये लगता है कि इस खाते में और लोग नहीं है, इस जो आपका मुरब्बा नंबर ये जो है आपका फेवरेट नंबर या आपका खाता नंबर, इसमें और भी शेयर होल्डर हैं, तो वो क्या करेगा, एक उस एप्लीकेशन की, जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो इंक्वायरी कर लेगा, ठीक है। इस इंक्वायरी के बाद समझ आ गई वो तमाम बातें जो आपने 143, 144, 145 और 146 से ली है, उसके मुताबिक डील करेगा। लेकिन कोई अपनी तरफ से वो चीज नहीं कर सकता। हाँ, जहाँ पे उसको लगेगा किसी का राइट इंफ्रिंज हो रहा है और कोई शख्स जो है वो फ्री बन रहे, इसने आम तकसीम का तरीका किया, उसके मुताबिक आपको क्या कर देगा, तकसीम करके तमाम मामला को वहाँ पे निपटा देगा। बेटा बात की उसके बाद कि आपका जो कॉस्ट है, आपकी जो आपके खर्च अखराजात हैं, जो आपके खर्च और आपके अखराजात हैं, किस चीज़ के बेटा आपके, अल्लाह आपका भला करे बेटा, जो आपके हैं पार्टीशन के, ठीक है बेटा, इसके भला पार्टीशन के, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, विद कंसल्टेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे मेक द रूल्स रिगार्डिंग द डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, यानी कि जो उस पार्टीशन के अखराजात होंगे, जितने भी खर्च अखराजात होंगे, उनको डिटरमिन करने के लिए क्या कर सकते हैं आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द कंसल्टेशन विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेक द रूल्स, तो मुलाजिम का बात क्या कर सकते हैं, मेन मेक द रूल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि आपका 149 में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स, ठीक है। अब कस्टम मीन आपका जो ये कल्चर है, आपकी विरासत, आपके ये जो आपके रिवायात हैं, ठीक है, इस जिस लैंड में, जिस स्टेट में ये इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ये कस्टम हो जाए, ठीक है, कोई किस चीज का आपका री पार्टीशन का, अगर किस इलाके में कोई विवाद है, तकसीम कैसे होनी है, जैसे हम ये कहते हैं मजहब कोई और मुस्लिमों में ऐसी होती है, सुन्नत में ऐसी होती है, तो ये हर इलाके के अपने रिवाज होते हैं, बेटी को देते हैं, बेटे को नहीं देते, ठीक है। तो इस अंदाज में जो पार्टीशन का कोई तरीका अगर आपके इलाके में क्या हुआ, अगर एस्टेब्लिश हुआ है ना, समझ आ गई, 15 सेकंड 149 रेवेन्यू ऑफिसर को क्या कर सकते हैं, उसके मुताबिक भी कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं उसके मुताबिक भी उसको अल्लाह आपको गलत कर देता है आपका जो है उसकी तस्वीर अंदर सकते मंजूरी में अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ सच स्टेट जो नॉर्म्स होंगी ट्रेडिशन होंगी फोकवेज होंगे उनके मुताबिक उनको क्या कर सकते हैं बेटा कंडक्ट कर सकते हैं ठीक है। इसके बाद जो आपका इस पार्टीशन के लिए जिस ऑफिसर का जो रैंक है वो कम से कम आपका असिस्टेंट कलेक्टर ठीक है बेटा असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड होना चाहिए जिसे हम कहते हैं कम से कम आपका तहसीलदार होना चाहिए ठीक है। नायब तहसीलदार नहीं होगा पार्टीशन के लिए वेरियस लेकिन तब तक नायब तहसीलदार ही है आपको सारा पटवारी ने करना होता है ठीक है। फिर ये गिरदावर गिरदावर के पास जाता है जो वंडे जो मनाता है जो वंडे हम कहते हैं ऐसे तकसीम शेयर जिसे हम कहते हैं वो मुलाजम पटवारी है पटवारी के पास कानून को जिसे गिरदावर कहते हैं गिरदावर के पास नायब तहसीलदार इरफानी करो जाता है तहसीलदार के पास इसमें ठीक है। तो ये बातें हमारी बेटा सारी थी इसके मतलब आपकी पार्टीशन के मतलब ठीक है इसके मतलब थी पार्टीशन के मतलब ठीक है। अब बेटा अगर यहाँ पे किसी को कोई जो है क्वेश्चन समझ नहीं आया ठीक है तो पहली बात हमने पार्टीशन देखी कि पार्टीशन हम मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं आपको ताकि बेटा आपको इस चैप्टर की थोड़ी सी समझ आ रही प्रॉपर्टी कौन कौन सी लैंड जो है ना जिसकी तकसीम होनी होगी ठीक है समझ आ गई बेटा बात और किसकी जो है वो जो है पार्टीशन नहीं हो सकती ये सेक्शन हमने 135 से शुरू किया था और इसमें हमने तीन लोग पढ़े थे कि कौन कौन पार्टीशन के लिए उसमें नंबर वन हमने ये कहा था कोई भी ज्वाइंट होल्डर ठीक है। उसके बाद दूसरी बात हमने ये कहा था कोई भी शख्स कोर्ट या अदालती फैसले करवा जाते हैं और तीसरी बात हमने ये कहा था कि जो शख्स ये इन द ओपिनियन ऑफ द पीपल जमीनों के जिनका हमने सेक्शन में 6 या 7 हमने क्या की थी पढ़ी थी ठीक है बेटा क्या की थी हमने 6 या 7 हमने पढ़ी थी वो मैंने सेक्शन आपको बताई है। इसके बाद जब हमने इसको देखा कि जब आप एप्लीकेशन दोगे तो उसके बाद आपने हेड बना लेना नोटिस ठीक है वो क्या करेगा नोटिस देगा तो दादी बात की और नोटिस देने के बाद वो उसकी प्रोसीडिंग्स को फिक्स करेगा फिर पार्टीज को सुनेगा ठीक है। बट अगर नोटिस के दौरान नहीं आता तो फिर जिस का शेयर होगा उसके लिए प्रोक्लेमेशन भी करवा सकते हैं ठीक है बेटा। प्रोक्लेमेशन के बाद हमने ये पढ़ा था कि दो शख्स बेशाकूस दरखास्त का हिस्सा नहीं है यानी कि जो पार्टीशन वाली एप्लीकेशन थी तो उसको पता चल गया कि ये जो है ना पार्टीशन हो रही है तो किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं एडिशन जो हमने 138 में पढ़ा था तो आपने आपको ज्वाइन करवा सकते हैं। उसके बाद बेटा सेक्शन 139 लिमिटेड है नई बुक्स में ये पहले के हमने ये कहा था कि सिलेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ठीक है तो जब कोई एप्लीकेशन देता है तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है जो भी करेगा ये एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा तो बता रहा उसके रीजंस को बयान करेगा ठीक है। लेकिन इसमें ये कहा था सिविल कोर्ट हैज नो पावर टू रिजेक्ट एप्लीकेशन लेकिन ये सेक्शन में कहा था ये क्या हो चुका है हो चुका है। इसके बाद बेटा हमने 140 पढ़ा था कि जब आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है मांग ली जाती है ठीक है तो वो तो कहता है कि आप बनाएगा आपके क्वेश्चन तैयार करेगा ये 3 किस्म के क्वेश्चन पड़े थे क्वेश्चन हैज टू टाइटल इन द प्रॉपर्टी क्वेश्चन हैज टू प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड इन मोड ऑफ मेकिंग द पार्टीशन ठीक है। इसके बाद 141 का बेटा ये भी ऑलमोस्ट कमिट हो चुका था ठीक है डिस्पोजल ऑफ ये लेकिन हमने पढ़ा था लेकिन मैं सिविल कोर्ट के मतलब भी था ठीक है। इसके बाद बेटा हमने सवाल पढ़ा था आपको सेक्शन आज शुरू किया 142 से ठीक है 142 से हमने कहा था कि जितने भी क्वेश्चन होंगे रिगार्डिंग द आपका जो है डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चन ऑफ पार्टीशन ठीक है जितने भी क्वेश्चन आपके पार्टीशन के मतलब जो नोट ऑफ पार्टीशन के मतलब होंगे ठीक है तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर भी तो बताएगा लेकिन वेरी कनेक्ट करेगा इंक्वायरी के बजाय इस रीजन भी के बारे जो शख्स अपने आपको विड्रॉ करवाना चाहते तकसीम नहीं करवाना चाहते तो अपने आपकी एप्लीकेशन देकर आपको विड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स नहीं करवाना चाहते तो रेवेन्यू ऑफिसर उसके आपको क्या करेगा
उसको उसके मुताबिक उसकी पार्टीशन करेगी और बाकी छह मुताबिक नीचे नए लोग हैं ठीक है तो ये मंदिर आपके जल्दी से हैंडल डाउन रहेगा उसको हमने जो बात कर ली उसके बाद डिस्कशन अपनी काफ़ी प्राप्त की है जो बॉडी हम एक्सप्लोर हुई है ठीक है जो लोगों को जितना भी इंटरेस्ट होता है उसके मुताबिक क्या कर देगा डिवाइड करके उनके हिस्से मुताबिक दे देगा ठीक है उसके बाद जो है बॉडी प्रॉपर्टी कर देगा सबसे पहले ड्यूटी जो है सबसे पहले भी जो उस पर लगाएगा आपका इलाज का गलत है जो है लैंड रेवेन्यू इम्पोज होगा लैंड रेवेन्यू इम्पोज होने के बाद अगर आप समझ करके वो सही असेस नहीं हुआ तो फिर आप उसकी असेसमेंट के लिए भी उसको गैर कर सकते हो ठीक है अपना उसके बाद जो है आपकी मिल्कियत का कोई इंस्ट्रूमेंट बनाएगा कोई मुसावे तैयार करेगा तो वो रिकॉर्ड चेंज होने ही होने रिकॉर्ड चेंज होने ही होने उस रिकॉर्ड को चेंज करेगा इंस्ट्रूमेंट तैयार करने के बाद ठीक है वो क्या करेगा जो प्रोजेक्शन होगा आपका जो सही हकदार होगा उसको उसका कब्जा देगा अगर उसको हकदार नहीं है उसके लिए आसान ठीक है बेटा लेकिन इंटीरियर उसके बाद में क्या अगर आपकी प्रोग्राम में अगर म्यूचुअल कंसेंट आपकी हो जाती है पार्टीशन तो गवर्नमेंट से क्या कर देगा उसके मुताबिक कर देगा लेकिन अगर समय तक कोई इंक्वायरी की जरूरत है या कोई मसला रह गया तो बकायदा उसकी इंक्वायरी कर करिए उसको 153 से लेकर बेटा 146 तक क्या कर सकते हैं उसको हैंडल कर सकते हैं समझ आ गई बेटा बात की इसके बाद बेटा आपकी कॉस्ट के लिए अगर पार्टीशन को खर्च करा जाता है तो आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर है बेटा याद रखिएगा रेवेन्यू ऑफिसर जब भी उसको बेहतर लगे जब भी वो बेहतर समझे ठीक है वो क्या कर सकते हैं बेटा याद रखिएगा आपके इन तमाम मामला को जो आ गए किसने बेटा खर्च करा जाते हैं उनके वो रूल्स बना सकते हैं कंसेंट ऑफ सिटी कंसेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ठीक है उसके बाद मैंने ये कहा कि अगर कोई आपकी जो रिवायात नहीं लाती ठीक है उसको भी उसके मुताबिक किया जा सकता है और भी जो सारा प्रोसीजर कंडक्ट करेगा जो सारा प्रोसीजर है वो कंडक्ट करेगा उसको कम से कम रैंक ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड होना चाहिए आपको फर्स्ट ग्रेड यानी कि आपको नैब तहसीलदार नहीं होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ तब इसी तरह पटवारी है पटवारी को बुलावा को बुलाओ नैब तहसीलदार को आपको पहले करे उनके पास हो बड़े साहब के पास हो बड़े साहब जिसको हम तहसीलदार को ठीक है बेटा अजान एक तो आप इनका स्क्रीन शूट एक मुझे सेंड करो ठीक है बेटा और जिसने मेरे को आपको क्वेश्चन करना जी बिस्मिल्लाह पार्टीशन के बारे में तो आज मेरा ये पार्टीशन कम्प्लीट हो चुका और पीछे मेरा ये हम तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे दो वीक में मेरा ये सिलेबस है ये इंशाल्लाह खत्म करवा दूँगा जितना मेरा ये हाथ में बनता है मेरा ये तो सही खत्म हो जाएगा समझ आ गई बेटा बात फिर हम इंशाल्लाह उसको कोई ना कोई तरीका हम देखेंगे यहाँ पे किसी ने कोई क्वेश्चन करना है बेटा तो टाइम आपके पास है ठीक है बेटा जी मैंने टाइम मेरे पास 8 मिनट और कुछ सेकंड है ठीक है आप सबको मैंने अलाउ कर दिए अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह मेरे से क्वेश्चन पूछे मैं आपको जवाब दूंगा और अजान अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे ये स्क्रीन शॉट लेके सेंड करो ठीक है अजान आवाज आ रही है मेरी जी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछे तो जी बिस्मिल्लाह से पूछे वहां मेरी आवाज आ रही है मुझे आप में से किसी की बेटा आवाज नहीं आ रही ठीक है आप अगर मुझे मैसेज करना चाहते हो तो मैंने मैसेज कर दिए आपको ये चैट की इजाजत दे दी आप मुझे क्वेश्चन कर कोई क्वेश्चन पूछना तो आप मुझे पूछिए देखो गैलेक्सी A6 प्लस उसको कहिएगा सर कह रहे हैं बेटा तुझे अपना नाम और रोल नंबर साथ नहीं ऐड होगा ना तो मैं तुझे ऐड नहीं करूँगा एक्सेप्ट नहीं करूँगा अपना नाम और रोल नंबर लेकर ऐड करो जिनको मैं जानता हूँ मैं उनको करूँगा बाकी मैंने किसी को अलाउ नहीं करूँगा अब पार्टीशन के बारे में जो बात आपने पूछी है तो बेटा आप पूछ लो
पहला बेटा सवाल है 147 का। 147 बेटा ये कि जब आपका पार्टीशन हो जाती है मुकम्मल आपकी, यानी कि वो विद कंसेंट मम तकसीम हो जाती है, तो विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है बेटा, रेवेन्यू ऑफिसर क्या हो जाता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यानी कि अब बेटा जो आपका म्यूचुअल कंसेंट अगर आप पार्टीशन हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर इंटरवीन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, अगर सपोज वो समझते कि किसी और का शेयर भी है, किसी और का भी हक है, तो वो एक छोटी सी इंक्वायरी करके आपकी जैसे सेटलमेंट हुई होगी, जैसे आपने शेयर्स बनाए होंगे, उनको वो नहीं छेड़ेगा। पहले तो उसने अपनी मर्जी के मुताबिक उन तमाम को शेयर्स डिटर्मन करके देने थे ना, शेयर देने थे। अब वो क्या करेगा, जैसे आपने सेटलमेंट कर ली होगी, उसको इंक्वायरी करके वैसे एक हल्की सी हियरिंग करके आपकी म्यूचुअल कंसेंट के साथ क्या कर देगा, पास कर देगा। और बेटा इंस्ट्रूमेंट से मुराद ये है, देखें जब आप हमने सेक्शन 42 पढ़ा हुआ है, 42A प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन, जब पार्टीशन के बाद आप मालिक बनते हो ना, तो आप कोर्स रिकॉर्ड में तब्दीली होनी होनी है, रिकॉर्ड में तब्दीली होनी होनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा वो तब्दीली जब रिकॉर्ड में करेगा, ठीक है, तो बकायदा उसका क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट बनेगा, उसका शरिया चेंज होगा, फर्दी जमाबंदी चेंज होगी, तमाम खसरा गिरावरी चेंज होगी, अगर कब्जा आपके पास आता है तो ये सारी बातें चेंजिंग करके उसका इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जिसे हम कहते हैं सनद तकसीम। ठीक है बेटा, और जी जी मियां फरीद नवाज बेग साहब, पेपर इंशाल्लाह ऑनलाइन नहीं होंगे, पेपर इंशाल्लाह सितंबर में हालात ठीक हो जाएंगे, फेस टू फेस होंगे। अगर ऑनलाइन हुए तो ऐसे ही होंगे जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, फेस टू फेस क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, फेस टू फेस क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, जो जवाब देगा उसके नंबर लग जाया करेंगे। ठीक है जी, अदरवाइज ये वीडियो आप कैसे होगी, अगर आपने जवाब बता दिया तो ठीक है, तो अल्लाह हाफिज। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्टीशन मीन द फील्ड डॉक्यूमेंट ओनिया, नहीं जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन से मतलब आपका जो सनद, जो वो डॉक्यूमेंट जो आपकी मर्जियत को, आपके हक के मिसल हकीयत जैसे कहते हैं, आपकी हकीयत को शेयर करे बेटा, कि हम ये कहते हैं कि आज से मैं मालिक बन के हम मुझे पार्टीशन मिले, प्रॉपर्टी मिल गई, क्योंकि आपकी जो फर्द होगी, फर्द में हकीयत हम उसे ये करेंगे, ये आपका वो आपके कमरा भी हो सकता है, कोई भी चीज, एनीथिंग अपॉन एनी सब्सटेंस व्हिच हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय द वे ऑफ लेटर फिगर्स एंड डायग्राम्स इज नोन एज अ डॉक्यूमेंट। बेटा अगर वो मर जाता है ना, हकदार मर जाता है, तो आप भूल जाओ कि बादशाह को पता नहीं होता, आज लोग कान कर्म से साई की जान देते हैं, हर किसी को पता होता है। ठीक है, अगर 5 या 10 साल बाद भी अगर पता लगता है ना, बेटा कौन सा प्रूफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव दैट वी आर, हमें तो इस चीज का इल्म नहीं था, आप सबसे पहले इस चीज को एस्टैब्लिश करोगे। ठीक है, इस चीज को क्या करोगे, एस्टैब्लिश करोगे कि जनाब ये चीज मेरे मालूम नहीं थी। ठीक है, मुझे ये चीज है वो अलाउ नहीं थी जी। बेटा और जो मैसेज जी, जजाकल्ला, थैंक यू। और जी इसके बाद बेटा भी आपने और बात पूछनी है तो पूछ लो, टाइम रह गया है लगभग 2 मिनट और 40 सेकंड। तो आप में से इवनिंग वालों में आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। 145 दोबारा बता दें सर, 145 कौन सा, इसको पढ़ भी जोर से जी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्टीशन बता तो रहा हूँ यार, कि आपको बेटा जब आपकी पार्टीशन मुकम्मल हो जाएगी तो आपको एक सनद दी जाएगी जिसमें ये शो होगा कि जनाब मालिक हैं या नहीं। ठीक है, आगे और जी कोई और सवाल आपने पूछने तो पूछ लें, लास्ट 2 मिनट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है आपकी पार्टीशन के बाद जो आपका वो परवाना आपको मिलना, ठीक है, जिसमें ये शो हो कि आप मालिक हैं। और जी
उनके संगीन छोड़ने के लिए शायद करो ये बेटा जब से मैसेज करना है मुझे आपके मैसेज आ रहे हैं तो क्वेश्चन आपने पूछा है तो मैसेज कर दो लास्ट 1.5 मिनट ठीक है नहीं तो ठीक है जी अल्लाह हाफिज अल्लाह पाक आपका हमें नासिर हो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को हम मिलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हम जो है ये सिलेबस जो है उसको खत्म करें और इंशाल्लाह थैंक यू जी अल्लाह पाक आप सबका हमें नासिर अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे अपने और बच के रहिएगा।